कोरोना महामारी की तीसरी लहर का प्रकोप फिर से प्रदेश में तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर शनिवार के दिन जनपद परिसर बागली में SDM शोभा राम सोलंकी, जनपद CEO प्रभांशु सिंह की उपस्थिति में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गयी, जिसमे SDM शोभा राम सोलंकी द्वारा जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ गण, पत्रकारों से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान सोलंकी ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार से बड़े आयोजन ना हो, घरों से निकले तो मास्क पहन कर निकले। साथ ही बागली अनुविभाग के अंतर्गत रोको टोको अभियान भी चलाया जाएगा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जैसा कि विदित है कि वर्तमान में निरंतर संक्रमण बनने की संभावना है, इसी तारतम्य में आज हमने बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में हमारे खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ खंड स्तरीय हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग रहे हैं। इनमें हमने 3-4 चीज़ों की ओर हाईलाइट किया है कि हमारे बागली अनुभाग में लगभग 93% प्रथम डोज लग चुका है और लगभग 80 से अधिक हमारा सेकंड डोज लग चुका है। इसके अतिरिक्त भी हमें और भी प्रकार की भविष्य में आवश्यकताएँ हैं सुविधाओं जुटाने की। इस बारे में होम आइसोलेशन के बारे में 3 कोविड केयर सेंटर हमने निर्धारित किए गए हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के बारे में जागरूक करने के बारे में चर्चा की गई है और हमारे बहुत अच्छे सुझाव आए। इन सुझाव के तहत हम सोमवार से जो रोको टोको अभियान चालू करेंगे और इसके अतिरिक्त जो लोग छूट चुके हैं, जो या तो बाहर जा चुके हैं या नहीं लगाना चाहते, उन लोगों की घर घर जाके सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं और उस बाद सूची बनाएंगे और सूची बनाने के बाद फिर उन लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। सर, ऑक्सीजन को लेकर क्या तैयारियां की गई है स्वास्थ्य विभाग? हमारे यहाँ 21 बेड हमारे ऑक्सीजन के लिए तैयार हैं, लगभग 12 हमारे जंबो सिलेंडर हैं और हमारी टीम तैयार की गई है और वहाँ भी हमारी किसी भी प्रकार की अगर ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता रही किसी व्यक्ति को तो वो भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। सर, आपके द्वारा अभी बंगाली डॉक्टर की भी सेवा लेने के लिए बात कही गई क्या? देखिए, ये कोविड है, ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड मामला है, व्यक्ति विशेष से नहीं है, आम जनता के स्वास्थ्य के मामला है। बेशक बंगाली डॉक्टरों ने बहुत अच्छा पहले काम किया है और अब उम्मीद करते हैं कि अभी भी बहुत अच्छा काम करेंगे, आवश्यकता हुई तो उनका भी हम सहयोग लेंगे और वैसे भी काफ़ी तादाद में लोग उनसे इलाज करवाते हैं तो उनकी भी हम सेवा लेंगे। सर, अब जैसे जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं या फिर जैसे अब शादी का जो सीजन भी चालू होने वाला है तो ऐसे में किस तरह का निर्णय लिया गया है सर और किस तरह के जो है इसमें बंधन प्रशासन द्वारा जो है निर्धारित किए गए? मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में 250 लोगों की शादी में उन्होंने छूट दी है, वहाँ तक लोग आ सकते हैं। इससे अधिक आएंगे तो बाकायदा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे वर और रोगु दोनों पक्ष मिलकर 250 से अधिक न रहें और जो लोग आएंगे उनकी सूची भी हमें उपलब्ध करवाना उनके लिए अनिवार्य किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।